नई वीडियो में वापस स्वागत है। आज की डेट है हमारी 7 सितंबर 2024। यहाँ पर एक कार की मैच चल रहे हमारे तीन, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच। यहाँ पर बाइक की मैच चल रहे चार, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा। और इन सबसे आज का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं बाइक ट्रेनिंग को लेकर। बाइक ट्रेनिंग में क्या होता है, आइए, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले इस टाइप से डेमो इंजन खोलना होता है। कौन सा इंजन किया अभी आप लोगों ने? होंडा सिविक इंजन किया। कौन सा नंबर का इंजन था वो? तो चार से मतलब से पहले तीन इंजन आप कर चुके हैं। टोटल कितने इंजन करोगे आप? 10 इंजन करोगे, 16 इंजन है, 17 है, कितने भी कर सकते हो। इतने ज़्यादा करने क्यों ज़रूरी है? एक दो इंजन से क्यों नहीं समझ सकते हो? वर्किंग में है तो जितना हाथ करोगे साफ करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से हैं? पूर्णिया बिहार। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी किस जगह? बुलंद शहर से आए थे आप? हरियाणा से आए आप? यूपी गोरखपुर। यूपी गोरखपुर से आप? यूपी आगरा। यूपी आगरा से आए, ठीक है। तो ये पहला बैच है जिसने क्या किया है, सीवी शैन का इंजन किया है फुल टाइम में 3 घंटे, सुबह से शाम तक। सुबह से शाम फुल टाइम। रॉयल इनफील्ड क्लासिक जो आता है उसका इंजन कर रहे हैं, यहाँ पर भी करेंगे और वर्किंग बाइक में भी करेंगे। ये इस टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड बैच है रॉयल इनफील्ड के इंजन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा फिटिंग करेंगे और वर्किंग बाइक से भी खोलेंगे ये लोग। यहाँ पर भी डेमो इंजन की ट्रेनिंग करेंगे। अब ये डेमो इंजन देखिए, पूरा जो खोल रखा है तो उनको पूरा बेसिक नॉलेज उनको हो चुका है। यहाँ पर करेंगे डेमो इंजन, फिर वर्किंग बाइक पे भी करेंगे। आइए, कौन सा नंबर का इंजन है? 9 नंबर का। 8 इंजन कर लिए, इतने इंजन करना जरूरी क्यों है? 2-3 इंजन से समझ सकते हो। अलग-अलग गाड़ी में अलग-अलग फंक्शन रहता है सर। अच्छा, अलग अलग गाड़ी में जैसे अलग अलग पार्ट्स रहता है तो समझने में आसानी होता है। कितने दिन हो गया आपको आए हुए? लगभग 15 दिन। 15 दिन हो गया। आप कहाँ से आए थे? गुजरात से आए। गुजरात? गुजरात में कौन सी जगह? छोटा हाथीपुर से। छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर वहाँ पर भी है क्या? छोटा उदयपुर है। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से आए थे? सर ओडिशा से आए। ओडिशा से आए। आप कहाँ से आए थे? झारखंड से। आप? बिहार से। मजा आ रहे, ठीक है। चलिए, ये था हमारा तीसरा बैच तो बाइक में खेलने, ये हमारा चौथा बैच है बाइक में खेलने का। आगे चलता हूँ, आगे चलता। ये पहला इंजन है कि दूसरा इंजन आप लोगों का? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट इंजन ही अभी आपने खोला है, ठीक है। ये हमारा नया बैच है जो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एक दो दिन ही हुआ है स्टार्ट किया। 4 लोग हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 चारों लोग ने स्टार्ट कर दिया है बाइक मैकेनिक। तो डेमो इंजन 10 करें, 12 करें, 15 करें, 17 करें, इनके ऊपर कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 इंजन करने, 1 इंजन करके भी ये लोग वर्किंग बाइक पे जा सकते हैं। तो ये इनकी चॉइस है कि आप यहाँ सीख के वर्किंग बाइक पर कभी भी जा सकते हो। और आप में से कोई वीडियो देख रहा है जिसको डेमो इंजन नहीं करना, पहले दिन से वर्किंग में वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डेमो इंजन ना करके सीधे कहाँ पहुँच जाए, चालू बाइकों पर। तो अब चलते ही हमारा पहला फ्लोर है यहाँ पे, अपने चार हमारे बेस्ट देख कर चलते हम लोग वर्किंग बाइक के दूसरे फ्लोर पे। आइए, ये बैच हमारा दूसरा फ्लोर है। ये लोग कर रहे हैं TVS XL 100 DSX की ट्रेनिंग। आपको इसमें DSX में क्या अलग लगा बाकी बाइकों से? जी एक्चुएटर है, जी फ्यूल मोटर है, फ्यूल मोटर है। DS4 में ये नहीं है। अच्छा, इसमें और बाकी BS6 में सेंसर ज़्यादा है कि कम है? और लगभग उतना ही है BS6 में, लगभग वही चीज़ रहती है, ठीक है। तो ये TVS XL 100 है और इसको ये लोग कर रहे हैं पहला बैच। दूसरा बैच लग रहा है हमारा स्प्लेंडर के बारे में, आ जाओ। सुना अब यहाँ से निकाल रहा है वो आगे की ओर गया, आगे भी उसी में का निगेटिव है दूसरा, तो आपस में निगेटिव निगेटिव कह सकते हैं। तो क्या होता है, बार बार करंट कट जाता है। ये हमारी अभी ये लोग समझ रहे हैं वायरिंग,
BS 4 स्प्लेंडर पे, BSF ये खड़ी है, इस पे की करेंगे। तो ये बैच हमारा लग रहा है वायरिंग करो। अब इससे पहले कितने दिन हो गया आए हुए? 2 महीने हो गया चल रहा है। ठीक है, चल सर क्या करवा रहे हैं अभी? अभी वायरिंग करवा रहे हैं सर। वायरिंग ठीक है, तो ये दो बैच है हमारे, BS6 पे लग रहा है, तीसरा बैच TVS Sport BS6 को खोला हुआ है। ये अशोक जी क्या कर रहे हैं अभी आप? सर ये इंजन फिटिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो एक गाड़ी में कितने दिन लगा है इसको? अभी कितने दिन लग चल रहा है? ये चौथा दिन है एक गाड़ी में। एक दिन में करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, एक एक आदमी एक एक बार पूरा ओपन करते हैं और फिटिंग करते हैं, बॉडी ये करते हैं, एक आदमी ये कर रहा है तो एक आदमी बॉडी कर रहा है। अभी फाइनल दो लोगों का कंप्लीट हो गया, अभी तीसरे लोग। ठीक, ये सारे लोग हैं BS6 की इस TVS स्पोर्ट का ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद आता है KTM 390 cc, ये इंजन हो रहा है। असेंबल करना खोल रहे हो अभी इसको? असेंबल कर रहे हैं। असेंबल कर रहे हो आपने? आपने कर लिया? जी सर हम कर लिए। आप कर लिए? हाँ सर। तो मतलब बैच में जितने लोग हैं उतनी बार खोलते हो, उतनी बार असेंबल करते हो? हाँ सर जितने। तो इसमें KTM और बाकी गाड़ी में क्या अलग लगा आपको इस इंजन में और बाकी नॉर्मल पल्सर स्प्लेंडर अपाचे उन सब में? दिखाइए कैमशाफ्ट दो है इसमें। ठीक है, तो ये आपने जो टाइमिंग चेन है दोनों पे चलता है ये? जी सर। तो टाइमिंग इसकी दो जगह मिलती है, एक जगह मिलती है? दो जगह। तो आप अगर कभी KTM करते ही नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि टाइमिंग चेन तो सिर्फ एक कैम पर चलती है, कैसे सीखते? ये KTM है, KTM में डबल कैम शाफ्ट है, डबल टाइमिंग चेन आपको मिलाने पड़ते हैं, टू टाइम्स ये कर रहे हैं। टू हेड दिखाइए इसको, वाल्व कितने हेड में? चार वाल्व है दिखाइए। दो इंटेक वाल्व है, ये इंटेक, ये इंटेक, ये एग्जॉस्ट। इंटेक वाल्व मतलब हवा, और जो इस पेट्रोल आएगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा हवा इसमें आएगा उतना ज़्यादा इंजन ब्लास्ट होगा। जब हम मैं आपसे बात कर रहा हूँ सांस किससे ले रहा हूँ मैं? नाक से। और जब मैं भागूंगा तो किससे सांस लूँगा? मुँह से। क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ज़्यादा हवा चाहिए। तो जब ये हाई स्पीड बाइक है, हाई स्पीड के लिए हमेशा एयर ज़्यादा चाहिए। तो ये इंटेक वाल्व चाहे कार का इंजन हो चाहे बाइक का इंजन हो, इंटेक वाल्व किसका बड़ा रहेगा? हवा वाला इंटेक का। और ये भाई हमारे सर्विस करना सीख रहे हैं, आगे पीछे बोल रहे हैं, लगा रहे हैं दादा, बोल रहे हैं। ये क्या चीज खोल रहे हैं अभी? कैलिपर, किस कैलिपर? चलिए ठीक। तो ये लोग जो है एक, ये तीन लोग हैं, ये KTM पे लग रहे हैं, ये तीन लोग हैं, ये हमारा BS6 TVS स्पोर्ट पे लग रहे हैं, दो लोग BS6 गाड़ियों पे लग रहे हैं। तो टोटल चार बैच, चार बैच कहाँ थे? पहले फ्लोर पे जो डेमो इंजन कर रहे हैं, चार बैच कहाँ पे लग रहे हैं? और देख कितना बड़ा स्पेस है, कोई ध्यान है कि गाड़ी खाली है। आराम से सबके लिए स्पेशल टूल्स है, स्पेशल जगह है। फिर भी हम चाहें तो अब मैं जो तीसरे फ्लोर पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ के लोगों को भी यहाँ पर अपना ट्रेनिंग करवा सकते हैं पैसा बचाने के लिए जगह का, लेकिन भीड़ नहीं हो इसलिए तीसरा फ्लोर अलग किया हुआ है, यहाँ पर सारे सर हैं। अब उनके पास चलते हैं, आइए। तो ये हमारा तीसरा फ्लोर है सारे सर का, यहाँ पर दो ही बैच लग रहे हैं, बाकी जगह पूरी खाली है। वहाँ पर जो हम सेकंड फ्लोर से आए हैं वहाँ पर वो लगभग चार पांच बाइक करेंगे, BS6 TVS स्पोर्ट, BS6 प्लेटिना, BS6 एक्सल 100, BS6 स्प्लेंडर वहाँ पर वो करेंगे, और दो BS4 पल्सर, BS4 स्प्लेंडर, BS4। तो लगभग वहाँ पर, और KTM 390 cc, तो वहाँ पर कम से कम 8-9 बाइक वहाँ पर करेंगे सेकंड फ्लोर पे। 8-9 बाइक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आना है। ये लोग लग रहे हैं स्प्लेंडर में, इस तरह से उन्होंने पूरी गाड़ी खोली है, यहाँ पर एक सा पार्ट पर आए इसका, वहाँ पर इसका इंजन है स्प्लेंडर का। ये बैच जो स्प्लेंडर पर लग रहा है, एक ये अलग है
सेकंड हमारे अबू बकर है और दो लोग ये हैं आकाश और ये पीछे, ये लोग कर रहे हैं हमारे स्प्लेंडर, बाकी ये लोग लगे हमारे बजाज पल्सर पर। दादा ये गाड़ी कर लिया आपने स्प्लेंडर? हाँ। गाड़ी में कितना देर लगा इस गाड़ी होने में? 8-9 दिन लगते हैं। 8-9 दिन लगते हैं। एक दिन में करना चाहे तो? एक दिन में तो नहीं हो पाएगा सर। अबू बकर करके आएंगे एक दिन में? एक गाड़ी में इन्होंने 9 दिन दिया है, इसलिए टाइमिंग का फिक्स नहीं रहता। अगर आप पहले से मैकेनिक है थोड़ा सा आता, क्या पता 2 महीने में हो जाए, क्या पता 3 महीने लगे, क्या पता 4 महीने लगे। फीस हमारी वही है जो बनता है 30,000। आप चाहे इसको 1 महीने में करें, 2 में करें, 3 में करें, 4 में करें, आपके दिमाग के ऊपर है। आप इसको एक गाड़ी पर 15 दिन में लीजिए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। इन्होंने 9 दिन में करी स्प्लेंडर पूरी कंप्लीट करके, अब इन्होंने दूसरी गाड़ी ली है स्प्लेंडर, दोनों बैच इंटरचेंज हो गए। स्प्लेंडर करेंगे, पल्सर करेंगे। आप कहाँ से आए थे? मैं तो बिहार से। बिहार से आप कहाँ से आए थे? राजस्थान। राजस्थान से ही आप? आप जी बिहार से। बिहार से आए थे आप? झारखंड। झारखंड से आए थे आप? आसाम। आप आसाम से आए थे, ठीक है। तो दो बैच यहाँ पे लग रहे हैं, ये करने के बाद फिर BS4 ये रॉयल एनफील्ड यहाँ पर BS4 करेंगे, फिर वायरिंग सेंसर स्कैनिंग के लिए BS6 खड़ी है, KTM ड्यूक खड़ी है, R15 खड़ी है, BS6 एक्टिवा खड़ी है। ये सारी गाड़ियाँ इन लोगों के लिए आएंगी जब इनका बेसिक BS4 गाड़ी हो जाएगी, फिर BS6 करेंगे। इस टाइप से 3 फ्लोर पे ट्रेनिंग है, इसके बाद 4th फ्लोर है जो ECM चलता है, वहीं पे हमारे सर हैं, वो इनको इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक स्कूटी, कंट्रोलर, वो सब बताते, मतलब EV का भी इसमें आपके लिए फ्री कोर्स रहता है। ये पूरा सेटअप देख लीजिए, पूरा खाली है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भीड़ को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड लाइन से लगे हुए हैं, वो सब नहीं है। सबके लिए अलग अलग फ्लोर्स है, अलग ट्रेनर है, अलग टूल्स है। मैं चाहूँ तो अकेले ट्रेनर रह के ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जिससे पैसा बचे हमारा, जगह का पैसा बचे, लेकिन ये लोग नाम के मैकेनिक बनेंगे, हाथ के नहीं, इसलिए सबके लिए अलग ट्रेनर, अलग जगह, अलग टूल्स। 3 फ्लोर आपने देखे, डेमोजन के लिए अलग फ्लोर, अलग ट्रेनर है, 2nd फ्लोर पर चांसर है, अलग बाइक है, अलग टूल्स है, 3rd फ्लोर पर साजेसर है, अलग बाइक से, अलग टूल्स है। इसके बाद चौथा फ्लोर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऊपर है। ऐसे करके हम लोगों का बाइक मैकेनिक का ट्रेनिंग चलता है। तो ये था आज हमारा वीडियो, आज की डेट है 7 सितंबर 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग।